हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyaati.in। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 9। नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या होता है दैट वील अंडरस्टैंड। अभी चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीथ, हमारी तरह ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके बारे में कुछ चीजें, उनके फीचर्स वगैरह समझना और उनका हैबिटेट। तो ये तो हो गया हमारे चैप्टर का नाम। अब सबसे पहले चैप्टर के नाम के साथ ही हमारे पास आ गया ये हैबिटेट क्या होता है। सो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया दैट इज ऑल्सो व्हाट इज हैबिटेट। सो द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज टर्म्ड एज इट्स हैबिटेट। सो जिस भी रीजन में या जिस भी हम प्लेस में रहते हैं दैट इज आर हैबिटेट। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो। ठीक है, सो हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव। सो जो जो चीजें उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो उसको हैबिटेट उसको मिलती है, मतलब हैबिटेट से। सो क्या क्या चीजें हैं? लाइक फूड, खाने के लिए शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशन सच एज रेनफॉल नीडेड सेक्टर। तो फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वेदर कंडीशंस प्रॉपर हो, रहने लायक हो, शेल्टर हो, ये सब चीजें हैं जो कि कंडीशंस है प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो अगर हम सोचे हम जाके मार्स पे रह ले तो वहां पे ये चीजें नहीं मिलेंगी हमें, तो देयरफॉर लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर। सिमिलरली किसी बहुत ठंडे इलाके में आप जाके सोचो आप पूरा साल वहां रह सको, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे एवरेस्ट है, वहां पे भी आप नहीं पूरा टाइम रह सकते, करेक्ट? सो देयरफॉर हैबिटेट वो चीज होगी जो आपको ये सारी कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अडैप्टेशन। अब अडैप्टेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज अडैप्टेशन। अब अडैप्टेशन ये होता है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी उसके आसपास चीजें हैं, अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट करता रहता है कि हाँ चलो ठीक है मैं इसमें भी सर्वाइव कर लूंगा, इसमें भी सर्वाइव कर लूंगा। सो दैट इज अडैप्टेशन। ठीक है ना, अपने आप को मतलब अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर देना। सो अडैप्टेशन आर दी चेंजेस इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द हैबिटेट। सो अडैप्टेशन बेसिकली चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर और बिहेवियर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लाते हैं ताकि अब जो उसके हैबिटेट है उसमें वो सर्वाइव कर सके। तो हैबिटेट पे सर्वाइव करने के लिए भी बहुत चीजें अडैप्ट करनी पड़ती है, उस चीजों के हिसाब से चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही पे हमारी बात करो, अभी हम एनिमल्स पे जाएंगे ना, जबकि चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक अगर हम सिर्फ बेसिक चीज की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारा अडैप्टेशन क्या है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है हम लोग एसी फैंस यूज करते हैं, जब ठंड हो जाती है क्लाइमेट चेंज होता है तो हम लोग स्वेटर्स वगैरह पहनने, हीटर्स वगैरह यूज करें, तो दैट इज व्हाट अडैप्टेशन इज कि हम उस चीज पे पर्टिकुलर चीज को अडैप्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हमने अभी दो टॉपिक पढ़ ली, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।